डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। यू तो मेरठ छावनी परिषद की छवि स्वच्छ व सुंदर सड़कों के रूप में बनी हुई है, लेकिन यदि हड्डियां वे अपने वाहन तुड़वाने हैं तो सप्लाई डिपो से नेशनल हाईवे NH 119 को मवाना रोड से मिलाने वाली सड़क से होकर जरूर गुजरे। करीब आधा किलोमीटर की इस टुकड़े में हजारों गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों में से सड़क तलाश कर रोजाना हजारों वाहन निकलते हैं। आए दिन यहाँ वाहनों की कमर यानी कमानी टूटते देखा जा सकता है। इस मार्ग की मरम्मत सौंदर्यकरण का जिम्मा मेरठ छावनी परिषद पर है, लेकिन वे लंबे अरसे से आंख बंद किए हुए हैं। छावनी परिषद के CEO ज्योति कुमार के कक्ष के बाहर आम नागरिकों से मिलने का समय दोपहर 1 से 2 अंकित है, लेकिन नागरिकों की यह आम शिकायत है कि वह इस अवधि में मिलते नहीं हैं। सवाल उठता है, इस नौकरशाही में फिर छावनी परिषद क्षेत्र की जन समस्याएं कैसे दूर होंगी? फर्स्ट बाइट टीवी इस सड़क की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कैंट बोर्ड की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कैंट क्षेत्र स्थित सप्लाई डिपो से मवाना रोड को जोड़ने वाली सड़क की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। देखिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।